मेरा सवाल ये है कि जैसे मैं यहाँ सऊदी अरब में हूँ, ठीक तो है। यहाँ क्या है कि सब में जो है ना वो बराबर, जैसे अपने इंडिया में सब बंदी होती है और कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाते हैं, यहाँ वैसा कुछ है ही नहीं। जो आते हैं बस ऐसे ही कोई दूरी बना के रहते हैं, कोई सब बंदी का कोई हिसाब नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सब बंदी में कदम से कदम मिला के और कंधे से कंधा मिलाओ, तो दूसरे लोग जो है वो सरक जाते हैं। तो इसमें क्या मेरे ऊपर कुछ गुनाह है, इसका वजाहत करें। हाँ, मुझे नहीं मालूम कि सऊदीया में किस जगह की बात आप कर रहे हैं। हम भी सऊदीया में रह चुके हैं काफी वक्त, तो नमाजों के साथ जो एहतमाम वहाँ है वो बसा औकात हमारे यहाँ पे नहीं है। ये अलग बात है कि आपको हर जगह पर कुछ इस तरह से लोग मिल जाएंगे जो हो सकता है किसी और मसलक से ताल्लुक रखते हों तो उस पर अमल ना करते हों, वरना इस पर जी अमल होता है। बहरहाल, अगर कोई उस पर अमल नहीं करता है, आपके बगल में जो खड़ा है वो आपसे दूर भागता है, तो फिर उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आप उससे मिलकर खड़े होइए, अगर वो दूर भागता है तो फिर आपका कोई कसूर नहीं है। ठीक है मोहम्मद करीम भाई। हाँ जी, वो मेरा कहना ये है कि लोग तो, कुछ लोग हैं जो सब बंदी में ये करते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो वो इसमें बराबर ध्यान नहीं देते हैं, जैसे नहीं सब बंदी तो में। आप जी, अपनी आप अपनी जो आपके ऊपर जो चीज वाजिब है ना कि आप जो है मिलके खड़े होने की कोशिश करें। अगर बगल वाला नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, पूरी नमाज में वो हरकत करते रहेंगे तो ये ठीक नहीं है। वो नहीं मिल रहा है अगर, तो फिर आप इत्मीनान के साथ नमाज पढ़िए, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है।